प्रशांत किशोर इन दिनों बेचैन हैं। उनके अगर ट्विटर को पिछले एक महीने में खंगाले तो देखेंगे वो अपने जेडीयू गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के खिलाफ लगातार ट्वीट कर रहे हैं, और अब तो उन्होंने जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को हराने की अपील तक कर डाली है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार में सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि प्रशांत किशोर जो भी कहते हैं नीतीश कुमार उसका खंडन कर देते हैं। जब प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को और जेडीयू में जो गठबंधन बिहार में होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें जेडीयू को चाहिए, तो नीतीश कुमार कहते हैं नहीं सब कुछ ठीक ठाक है। जब वो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे तो अमित शाह आते हैं और कहते हैं हाँ नीतीश कुमार ही चेहरा है मुख्यमंत्री का बिहार में। फिर वो लगातार उसके बाद भी उनकी बयानबाजी बंद नहीं होती है और सुशील मोदी का एक पुराना ट्वीट उठाकर अपनी ही पार्टी के मुखिया नीतीश कुमार पर निशाना साधते हैं। ललन सिंह लगातार नीतीश कुमार की ओर से आते हैं या कहें जेडीयू की ओर से आते हैं और उनके बयानों का खंडन करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार अभी सीधे सीधे प्रशांत किशोर के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। कुछ यही हाल प्रशांत किशोर का है। प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के खिलाफ तक बोल रहे हैं, गठबंधन के खिलाफ बोल रहे हैं और भाजपा के खिलाफ तो आग उगल रहे हैं, लेकिन अभी भी वो नीतीश कुमार के खिलाफ सीधे हमला करने से बच रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक ठाक है या कुछ गड़बड़ी इन दोनों के बीच में ही है, या प्रशांत किशोर जेडीयू से बाहर जाने का रास्ता तलाश रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर पिछले दिनों सोनिया गांधी की तारीफ कर चुके हैं, राहुल गांधी की तारीफ कर चुके हैं और ऑफिशियली वो ममता बनर्जी का कैंपेन देख रहे हैं, और ममता बनर्जी और सोनिया गांधी और राहुल गांधी कहीं भी नीतीश कुमार के साथ खड़े नज़र नहीं आते हैं। तो हम इन पूरे मामले की पड़ताल करेंगे, जांचेंगे कि आखिर इस लड़ाई के पीछे जो सब दबाव चल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर असली वजह क्या है, क्या यही कारण है जो दिख रहा है या कोई अंदरूनी कारण भी है इस लड़ाई के पीछे। आज डिजिटल प्राइम टाइम में रात 9 बजे।